एमपी की राजधानी भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जहां पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, वहां पहले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा थी, जिसे ट्रैफिक सुधारने के लिए हटा दिया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही ठीक उसी जगह पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई है, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है और सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रशेखर से बड़े अर्जुन सिंह हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में एक बार फिर मूर्ति विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई। भोपाल के नान के पेट्रोल पंप पर जहां आज से 3 साल पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए हटा दिया गया था, अब उसी जगह पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया है। दरअसल मार्च 2017 में नगर निगम ने अर्जुन सिंह के साथ भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा बनाने का काम ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय को सौंपा था। मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है और 4 दिन पहले ही सड़क मार्ग से भोपाल पहुंची है। करीब 14 लाख रुपए की लागत से बनी इस मूर्ति की हाइट करीब 10 फीट और वजन करीब 800 किलो है। यह मूर्ति लिंक रोड नंबर 1 पर नान के पेट्रोल पंप तिराहे पर लगाई गई है, जिसको लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले उसी जगह पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर हटा दिया गया था। लेकिन अब उसी जगह पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़े किए हैं। शिवराज ने ट्वीट कर लिखा है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के साथ ऐसा कृत्य, मध्य प्रदेश शर्मिंदा है। इस दुस्साहस के लिए दोषियों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा और उचित सम्मान के साथ मां भारती के सपूत की प्रतिमा पुनः स्थापित हो, अन्यथा देश स्वयं को कभी माफ नहीं कर सकेगा। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई गई थी, यदि अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगेगी तो आंदोलन होगा। उनको तो केवल और केवल अपने नेता दिखते हैं, पहले नेहरू परिवार दिखा और अब अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगा रहे हैं। अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगे कहीं, हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु कहाँ लगेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटकर लगेगी? क्या उनका और किसी दूसरे नेता का कोई तुलना हो सकती है? चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, वो युवा अवस्था में इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, और यदि क्रांतिकारियों का अपमान होगा, इस देश भक्तों का अपमान होगा और जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया उनका अपमान होगा, तो हम सहन नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा आपको कहीं लगानी है तो लगाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा हटाकर उस एवज में अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। और इसको लेकर मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि इस निर्णय को वापस ले, नहीं तो हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस ट्रैफिक को लेकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाया गया जिस स्थान से, उसी स्थान पर 2 साल बाद 3 साल बाद अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाना
तर्कसंगत नहीं है। ये शहीद का अपमान है। अगर उनकी मूर्ति से ट्रैफिक बिगड़ रहा था तो अर्जुन सिंह जी की मूर्ति से ट्रैफिक कैसे सुधरेगा। वहीं इसे लेकर कमलनाथ के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने उल्टा बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब किसी भी राजनेता का जो हमारे देश के प्रति इन्होंने अपना त्याग तपस्या की है, जनता की सेवा करते प्रतिमा नहीं हटाई। ये कृत्य प्रतिमा हटाने का भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो हटाई कांग्रेस पार्टी ने किसी की प्रतिमा नहीं हटाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज तक मध्य प्रदेश में। प्रतिमा हम लोग निर्माण करते हैं, हम बनाते हैं, ये विध्वंस करते हैं भाजपा वाले। तो उन्होंने विध्वंस करी, मैं तो उस समय भी मैंने विरोध किया था कि प्रतिमा नहीं हट जाएंगी। हमारे कई साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने विरोध किया था कि शंकर दयाल की शर्मा की प्रतिमा है, महान नेता जो चाहे किसी भी दल के हों उनकी नहीं हटना चाहिए। अब उन्होंने तो अपने नेता की भी, दीनदयाल उपाध्याय की भी नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासी गलियारों में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद से बड़े पूर्व सीएम अर्जुन सिंह हो गए हैं, जो आजाद की जगह पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर खुलकर मैदान में उतरने का मूड बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।